हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। किस्मत एक बार फिर खेल रही है अभिमन्यु और अक्षरा के साथ बड़ा खेल। नीलम माँ पहुँच गई हैं बिरला हाउस और खोल दिए हैं सारे राज। नील अम्मा को मालूम ही नहीं कि वो किसके सामने राज खोल रही हैं, लेकिन अभिमन्यु और अक्षरा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज कि अक्षरा आज तक अभिनव के साथ शादी नहीं कर पाई, ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं कर पाई, ये राज आने वाला है सभी के सामने। आपको बता दें कि मंजरी लेने वाली है बहुत बड़ा कदम। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं टेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आपको बता दें कि नीलम माँ से होती है मुस्कान की बात। मुस्कान बताती है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभिनव और अक्षरा की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रही है। पहले तो मुस्कान को देखने वाले जो आए थे उनके साथ हुई काफ़ी बदतमीजी और उन्हें भगा दिया गया गोयनका परिवार से। उसके बाद अब गोयनका परिवार को पता चल चुका है कि अभिनव और अक्षरा पति पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि माँ बाप के तौर पर साथ रह रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ चुकी हैं। ये सब सुनने के बाद नीलम माँ पेशेंस खो बैठती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो उदयपुर जाएंगी, वो अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगी संवारेंगी, उन्हें ऐसे बर्बाद होता वो नहीं छोड़ सकती हैं। लेकिन जब आती हैं उदयपुर नीलम माँ तो उन्हें पता चलता है कि अभीर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसकी सर्जरी होने वाली है। ऐसे में वो सबसे पहले हॉस्पिटल जाती हैं अभीर से मिलने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसी दौरान हो जाती है नीलम माँ की अभिमन्यु से मुलाकात। जी हाँ सही सुना आपने, वह अभिमन्यु शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान नीलम माँ से मिल चुका है तो वो उन्हें जानता है। ऐसे में हॉस्पिटल से वो उन्हें बिरला हाउस ले जाता है और उन्हें अपने घर में सभी से मिलवाता है, साथ ही उनको आराम करना और उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान नीलम माँ कर देती हैं बड़ा खुलासा, बताती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनके उदयपुर आने की सबसे बड़ी वजह है उनके बेटे और बेटी यानी मुस्कान और अभिनव की शादी करवाना, जिसके बाद मंजरी और अभिमन्यु हैरान हो जाते हैं। मुस्कान के आने को जो लड़के आए थे उनके साथ जो हुआ वो कहानी बताती हैं वो। उसके बाद बताती हैं कि अभिनव करता है अक्षरा से प्यार लेकिन आज तक इन दोनों ने शादी नहीं की है। वही यही बात सुनकर मंजरी हो जाती है हैरान और पूछती है कि क्यों भाई, क्या ये दोनों बिना शादी के साथ में रह रहे हैं? और नीलम माँ कहती है हाँ, ये अभीर के लिए एक साथ रह रहे हैं एक ही छत के नीचे, लेकिन इन्होंने आज तक एक दूसरे से शादी नहीं की है और बस मैं अभिनव और मुस्कान की शादी करवा कर इन्हें सेटल करना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनकर रह जाते हैं अभिमन्यु और मंजरी दंग। लेकिन मंजरी लेती है बड़ा फैसला, आरोही को सुना देती है वो कि अब आरोही और रूही के साथ नहीं रह पाएगा अभिमन्यु, हमें अपना पोता चाहिए यानी अभीर चाहिए। अभीर के लिए अभिमन्यु को और अक्षरा को मिलाएगी मंजरी। जी हाँ सही सुना आपने, मंजरी लाएगी अक्षरा को बिरला खानदान में वापस। कल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मंजरी का ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।